रायबरेली में कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर चोरों ने 14 दुकानों का माल व नकदी किया पार। कड़ाके की ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने देर रात 14 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का माल व नकदी चोरी कर ले गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इन सबके बीच पुलिस की मुस्तैदी व रात गश्त के दौरान पेट्रोलिंग वाली पुलिस क्या कर रही थी। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने में सफलता प्राप्त की। मामला रायबरेली के मेल एरिया थाना क्षेत्र के राही में चोरों ने बीच चौराहे पर बनी मंजीस मार्केट की 14 दुकानों को अपना निशाना बनाया। जब लोग उधर से निकले तो उन्हें इसकी जानकारी हुई और उन्होंने मामले की जानकारी मार्केट मालिक को दी। सूचना पर पहुंचे मालिक ने दुकानदारों पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं दुकानदारों की माने तो लाखों की चोरी हुई है। डायल 112 की लापरवाही के चलते चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अंशु श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। नाम है आपको? रमेश यादव। क्या घटना हुई यहाँ पे? ये हमारी दुकान है, इसी में चोरी हुई है। यहाँ पर 14 दुकानों में चोरी हुई है, 20 दुकानें हैं टोटल, सारी दुकानों में चोरी हुई है। लगभग कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान सबके साथ हुआ। प्रशासन आएगा, शिकायत हाँ की गई है। थानाध्यक्ष महोदय मौजूद है, यहाँ पर आ गए। आ गए जी। अच्छा, क्या लगता है कि दो दो पिकेट वाहन है फिर भी जो है ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं? नहीं, 100 नंबर की तो लापरवाही है। 100 नंबर जो है मौजूद नहीं थी, यसो साहब आने के बाद ही वो आई। जबकि 3 PRV हैं अपने राय मिले एरिया में, फिर भी ऐसे पॉश एरिया में घटना होना, क्या लगता है आपको? प्रशासन की लापरवाही है। क्या नाम है और क्या घटना हुई यहाँ पे? मेरा नाम अमन जायसवाल है, मैं इस राय का ग्राम प्रधान। हाँ, सब और यहाँ पे हमको 5:40 के करीब मंजेश अवस्थी द्वारा कॉल किया गया था कि हमारी राही हमारी मार्केट में लगभग 12 से 14 दुकानों का ताला टूट गया। उसके बाद हम आए, प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आई, फॉरेंसिक टीम भी आई, जांच कर रही है। प्रशासन ने अपना ये संतावना दी है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए। किन किन दुकानों में चोरी हुई है, कितने का है माल गया है? ये लगभग 14 दुकानों में चोरी हुई है, तो समथिंग ये 8-9 लाख रुपए तक चोरी हुई है।